وإن الجنة حفت بالمطارق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, ये इसाले सवाब की महफिल और मजलिस है। इसाले सवाब करवाना, सवाब को पहुंचाना, शरीयत में इसकी गुंजाइश है। गुंजाइश क्या, बल्कि बहुत अच्छा काम है। मगर इस सवाब के पहुंचाने को किसी दिन के साथ खास करना कि मुझे यही दिन पहुंचाना है और किसी दिन मैं नहीं पहुंचाऊंगा, यही दिन जरूरी है। जैसे जब मैयत को जाने में 3 दिन हो जाए तो मैं इसी दिन पहुंचाऊंगा, इसे तीजा कहते हैं। फी नफ्सी ही जायज है लेकिन अमरे बिदअत, क्यों? इसलिए कि शरीयत ने तुमसे कहा था कि 3 दिन तक चुपचाप मत बैठो, कि जब 3 दिन होगा तब हम इसाले सवाब करेंगे। शरीयत ने कहा था मरते ही, आंख बंद होते ही तुम सवाब पहुंचाना शुरू कर दो, यहां तक के मुर्दा अभी दफनाया भी नहीं गया। पढ़ते हैं कुरान शरीफ, जबकि अभी दफनाया भी नहीं गया। तो शरीयत ने कहा तुमको 3 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, खामखा मैयत को तुम अभी से ही पहुंचाना शुरू कर दो, और उसके लिए कोई जलसा जुलूस का होना भी जरूरी नहीं है। तुम अपने घर में कुरान शरीफ पढ़े, कहीं पर भी कोई चीज, कोई रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में तकलीफ देह चीज पड़ी हुई है, वहां से तुमने हटा दिया, पत्थर है, कांटा है, या कोई तकलीफ देह चीज, जानवर सोया हुआ है, तुम उसको वहां से भगा दिया या मार दिया अगर मुझी जानवर है, और वहीं पर नियत कर लिया है अल्लाह इसका तो सवाब मिला है, मेरे फला मरहूम तक पहुंचा दिया, पहुंच गया सवाब, 1 सेकंड के अंदर सवाब पहुंच गया। खाली नियत की जरूरत, नियत नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा। कोई भी काम आप करें, नेक काम, उसके लिए नियत जरूरी है। आप सुने होंगे इन्नमल आमालु बिन्नियात, जो जमात में जाते रहते हैं हमारे अहबाब, वो हमेशा जो है इसको सुनते रहते हैं और वो लोग पढ़ते भी हैं। ये हदीस शरीफ है, हदीस शरीफ का मतलब ये है कि आमाल जितने भी हम करें इनका दारोमदार, यानी जो सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब नियतों पर, इन्नमल आमालु बिन्नियात। और आगे भी आप सल्लम ने, लंबी हदीस है, आपने फरमाया कि वह इन्नमा लिकुल इम्रिम मानवा, यानी हर आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की है। नियत जैसी हो वैसे ही उस पर सवाब या फिर अजाब, नियत के ऊपर अजाब भी होता है। एक आदमी रास्ते में आकर के कांटा वगैरह या कोई कील वगैरह ठोक दिया, छुपे छुपाए आकर के रात के 3 बजे से आकर के, ताकि 4 बजे से जो एक आदमी यहां से जाता है बड़े जल्दी में, वो इस पर ठोका खाए और गिर जाए, इस नियत से उसने डाला है, हो गया। गाड़ते ही उसको जवाब अजाब जो है, अजाब यानी गुनाह शुरू हो गया, फिर जब वो उसमें गिर जाएगा तो और ज्यादा। महज रास्ता ही है, रास्ता चलने के लिए है, रास्ता आसानी के लिए है, रास्ता जो है चाहे सरकारी हो या कोई भी सरकारी हो, जब वो रास्ता है, रास्ता कहते ही है जिस जमीन के ऊपर चला जाए, रास्ता जिसको अरबी में तरीक कहते हैं, तरीक के माने ही है चली, जिसके ऊपर चला जाए। अब जो ज्यादा जिसके ऊपर चला जाए, जिसको जो है मशगूल रास्ता कहते हैं, आम रास्ता कहते हैं, यानी जो अवामी रास्ता है या गवर्नमेंट या सरकारी रास्ता है, उसका तो और भी ज्यादा हुक्म शदीद है, कि वहां पर चलने वाले बहुत हैं। तो इस आदमी ने गाड़ा ही इस नियत से ताकि दूसरे को नुकसान पहुंचे, गाड़ते ही उसको गुनाह मिलना शुरू हो गया, और जब वो उसमें गिर जाएगा, अभी कोई गिरा भी नहीं है फिर भी उसको गुनाह मिला, क्यों? नजर ये रास्ता है, तुम जिस नियत से गाड़े थे वो आदमी फर्ज करो उस दिन आया नहीं, क्या परेशानी हो गई, रात को आया नहीं, वो जानता है कि ये आदमी हर दिन 4 बजे रात से उठ करके बड़े जल्दी में यहां से जाता है, गाड़ी में हो या किसी में भी हो, इसी नियत से तुमने 3 बजे रात को गाड़ा है ताकि 4 बजे तक मेरा मसला हल हो जाए, इत्तेफाक से वो आदमी आया नहीं, सो के रह गया,
या कोई परेशानी हुई या उसको उस दिन जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जरा इंतजार में था। लेकिन अल्लाह का करना, अल्लाह को बचाना जब रहता है तो बहुत सारी अल्लाह ताला जो है रास्ते निकाल लेते हैं, लिहाजा वो आया नहीं। लेकिन जब कोई नहीं आया उसके बाद रोशनी आ गई, सुबह हो गई, फजर हो गई, सब लोग देख लिए, रास्ते में कोई सुधार दिया, उखाड़ फेंक दिया। देखिए कोई आदमी इसमें गिरा नहीं अभी, लेकिन फिर भी उस आदमी को जो गाड़ने वाला है 3 बजे रात को उसको गुनाह मिलता है। क्यों नस्ले कि तुम किस नियत से गाड़े थे? तुम इसी नियत से गाड़े थे कि वो आदमी पर्टिकुलर वो आदमी आए और वहां पर ठोकर खाए और गिरे। अब वो इत्तेफाक से अल्लाह को बचाने का था, इत्तेफाक से सुबह हो गई, आदमी उसको उखाड़ कर फेंक दिया। कोई गिरा नहीं है फिर भी उसको गाड़ देने से ही उसको गुनाह मिलता है। कोई गिरा नहीं जो तो उखाड़ फेंक दिया, क्यों? इसलिए कि तुम जिस नियत से गाड़े थे वो नियत अच्छी नहीं, वो नियत खराब है, दूसरों को पहुंचा नुकसान पहुंचाने के लिए वो नियत है। लिहाजा इन्नमल आमालु बिन्नीयत, जिस आदमी ने जो भी नियत की है, अच्छी नियत की है तो अच्छा सवाब मिलेगा, और खराब नियत की है, बाद दफा ऐसा होता है काम एक ही है लेकिन नियत अलग अलग होने की वजह से दोनों काम, एक काम में गुनाह मिलता है और एक काम में सवाब मिलता है। काम वो की एक ही है मगर नियत जब जो दोनों की जब सही होगी तो दोनों को सवाब मिलेगा। काम एक ही मतलब यह है कि जैसे खुट्टी का गाड़ना या कोई कील वगैरह का रास्ते में गाड़ देना या किसी के घर के सामने या मस्जिद, यह वाकई असल में मस्जिद नबवी का है उस वक्त, अभी से ना पुख्ता मस्जिद है लेकिन पहले में तो झोपड़ी थी, खजूर का फूस पालफूस ये सब की छत थी, पानी जो है ऊपर से गिरता था, तो सहाबा इकराम ने मस्जिद कच्ची बनाई थी पहले शुरू शुरू में, तो पहले जो है सवारी के लिए ये कार गाड़ी वगैरह वगैरह कुछ नहीं, उस जमाने में ऊंट की सवारी जो है बहुत ज्यादा मशहूर, घोड़ा या फिर ऊंट, घोड़ा कम और ऊंट ज्यादा, तो ऊंट से दूर दराज से लोग आते थे सहाबा होने के लिए। इसलिए कि सहाबा होना जरूरी है कि हम हुसैन को देखें, आंख नहीं है तो देख सकेंगे नहीं, कोई बात नहीं, मजलिस में बैठे हुसैन के साथ मुसाफा करें, मजलिस में बैठ गए मुसाहबत हो गई, मुसाहबत क्या यानी एक साथ बैठ गए हुसैन की, अब देखने तो कोई जरूरी नहीं, जिसकी आंख होगी वो देखेगा, तो ऐसा अगर देखा जाएगा तो जो बेचारे अंधे हैं वो क्या सहाबी नहीं बनेंगे? जो बेचारे अंधे हैं, हुजूर सल्लम के जमाने में अंधे भी तो थे ना, मैंने कहा अंधे जी जमाने में, उस जमाने में भी अंधे थे तो वो भी सहाबी बने थे, और सहाबी हैं भी वो भी, उनका मर्तबा हमसे कहीं, हम देखने वाले हैं फिर भी हमारा मर्तबा उनसे कहीं कम, सिर्फ इस वास्ते कि वो सहाबी हैं। अब देखना कोई जरूरी, हुजूर सल्लम को देखना नहीं, देखेगा वही जिसकी आंख हो, जरूरी क्या, जरूरी है कि हुजूर सल्लम के मजलिस में बैठा हो, हुजूर सल्लम की मुसाहबत में बैठा हो, आप सल्लम की मईयत में बैठा हो, ईमान की हालत में, ये तो जरूरी है, वरना मजलिस में तो दूसरे भी लोग बैठा करते, अबू जहल भी बैठता था मतलब ये कि वो भी उनकी बात सुनता था, अथवा शहबा भी सुनते थे जो मुखालिफीन थे, उनको क्या सहाबी कहा जाएगा? नहीं, बैठना ईमान की हालत में। और एक चीज यह है कि खाली ईमान की हालत में बैठने से भी होगा नहीं, बल्कि उसके साथ साथ आखिर तक उसी ईमान की हालत में रहना भी है, आखिर तक यानी मरते दम तक उसी ईमान की हालत में रहना होगा। और बीच में अगर तुम ईमान की हालत से निकल गए यानी काफिर हो गए, जिसे मुर्तद कहते हैं, मुर्तद हो गए और उसी हालत में ही उनका इंतकाल हो गया, तो वो सहाबी कहाँ रहेंगे? सहाबी नहीं बन सकेंगे। तो ये सब चीजें सहाबी होने के लिए जरूरी है, मईयत में रहना यानी मुसाहबत इख्तियार करना, ईमान की हालत में मुसाहबत इख्तियार करना, और आखिर दम तक ईमान की हालत तक रहना यानी मरते दम तक इसी हालत में रहना, वो है वो सहाबी, उसका मकाम सबसे ज्यादा है। यानी सहाबाए किराम का जो मकाम और मर्तबा है, बाद वाले लोगों में सबसे ज्यादा आला मकाम है। बाद वाले लोग कितने ही बड़े अल्लाह के वली हो जाए, कितने बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग पारसा मुत्तकी, मगर सहाबा के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। ये तो ईमान है ना सबका, सहाबा के मकाम तक नहीं पहुंच सकेगा कोई भी, यहां तक कि ये बच्चा भी, हुजूर सल्लम के जमाने में बच्चे भी थे कि नहीं? बच्चे
जो ईमान की हालत में रहे, हुजूरम को देखे, मुसाहबत करे, आखिर वक्त तक ईमान तक रहे, वो बच्चा फिर बाद में बड़ा हुआ, मगर जिस वक्त वो बचपन में था उसने हुजूरम को देखा था। वो बच्चे का मकाम भी इस जमाने के बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े मुत्तकी परहेज़गार के मर्तबे से ऊंचा है, हालांकि वो बच्चा सहाबी है, बच्चा सहाबी जो अभी बालिग भी नहीं हुआ है। एक बच्चे को उसकी मां लेके आई, हजरत साहिब इब्न यजीद रजी अल्लाह तआला, छोटा बच्चा भी चितान बच्चा, बच्चे क्या जाने किसके ऊपर पेशाब करते हैं नहीं करते हैं, बच्चों का दस्तूर है, हर घड़ी अगर 10-15 मिनट में उसको पेशाब नहीं कराते रहोगे तो कोई अल्लाह वाले को भी पकड़ा देगा, चलो मैं जरा से ले लीजिए मेरे बच्चे को बरकत के लिए। तो हुजूर सलम को भी उन्होंने पेश कर दिया, उसकी अम्मा ने कहा कि जरा मेरे बच्चे को ले लीजिए ताकि हुजूर सलम की बरकत जो है मेरे बच्चे में आ जाए, चुआ चुई। तो जैसे ही हुजूर सलम ले लिया, बच्चा पेशाब कर दिया। अब बच्चा क्या जानता है ये कौन है, ये हुजूर है, सरदार है, फला है, जो है वो क्या जाने। आप देखिए अपने बच्चे को किसी को भी दे दीजिए, अगर पेशाब करने वाला रहेगा ना वो जानेगा नहीं कौन, वो तो वही पेशाब कर देगा। कितनी बड़े बुजुर्ग को आप दे दीजिए, अब हुजूर को नहीं छोड़ा। अब हुजूर सलम ने कपड़ा चेंज किया, कपड़ा बदला, बच्चे के लिए दुआ दी, वहां पर कोई गुस्सा उस्सा हुए नहीं, बच्चा वो क्या जानते हैं मैं कौन हूँ नहीं। इसी तरह से और भी एक बच्चा है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, बयान हो गया तो वो भी ऐसी है। तो बच्चे सब आते थे, ये सब क्या है ना, बच्चे सहाबी हैं। मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे सहाबी है ना, देखो ये बच्चा सहाबी जिसने पेशाब किया, इसका मकाम, इसका मर्तबा इस जमाने के बड़े बड़े वली गौस कुतुब अब्दाल के मर्तबे से भी ऊंचा है इस पेशाब करने वाले बच्चे बच्चा सहाबी का जो मकाम। क्यों? ना इसलिए कि उसने सहाबी, उसने महियत की हौसलन को गोद में लिया है, ईमान की हालत है, वो बच्चा हो बड़ा होकर के ईमान लाया, अभी तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, इसलिए कलमा पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मकाम सहाबी बहुत ऊंचा है। तो मैं जो अर्ज कर रहा था तो कहां कहां निकल गया बातों बात में, मैं हजरत अनस तो और ये तो है, लेकिन मैं अकील की बात में कह रहा था कि मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में उस वक्त में सवारी सब जो जमात वाले जो आते, जमात वाले क्या है, जमात वाले नहीं तो कलमा फैलाने वाले होते हैं, वहां क्या कलमा फैलाएं, दूसरे लोग वहां आते थे कलमा सीखने के लिए, दूर दराज से जो लोग आए हैं कलमा सीखने के लिए आए हैं, तो खैर वो आए सवारी में आते थे, ऊंट ऊंचनी ये सब के सवार होकर के आते थे, तो उनको जरूरत पड़ती थी कि ऊंट में जो नकील है तो नाक में उसका लगा रहता है, हमारे यहाँ ऊंट का नहीं, हम जानते नहीं नकील क्या थी, ऊंट का जैसे घोड़े का लगाम जो है उसका पूरा कैप्चर करने के लिए है, घोड़ा कितने हो लगाम खींच दीजिए घोड़ा आपके अंडर में, वैसे ऊंट ऊंट के नाक में लगाया जाता है, नकील कहते हैं उसको, तो नकील ऊपर लेके सब जैसाम किसी में कुरबाने जाओ लगा जाते हैं, मान देते हैं, अब वो बेचारा वहां आपको खाना देते नहीं पीना देते नहीं, वो बांध रहा दिन तमाम उसी चक्कर काटा घूम कर, अब जब बांध रहा तो कुछ खाना पीने का उसका इंतजाम करो, नहीं वो तो कल सुबह होगी, अरे कल सुबह हो जाना इसके आज से खाना पाने बंद हो गया उसका। बाज लोग ऐसा करते हैं ईद के दिन उसकी कुर्बानी, ईद के दिन क्योंकि वो 10-11 बजे कुर्बानी होगी उसकी, मगर फजर से खाना पीना बंद देते नहीं सुबह से, क्या बात, नहीं गोश्त बनाने आ जा रहा वाला कुत इला वो तो अलग मसला है, अरे गोश्त में पानी आ जाएगा, तो तुम्हारा मकसद क्या गोश्त है, तुम गोश्त के लिए कुर्बानी कर रहे हो, तो फजर से इसको खाना पीना बंद कर दिया तुमने, पीने नहीं दिया, रोजाना सुबह से उठती थी तुमको पीने देते थे, अब आज नहीं करोगे ना, वो सुबह होने वाली है 11 बजे, क्या ना गोश्त में पानी आ जाओ, तुम्हारी कुर्बानी नहीं होगी। अरे ऐसे ही लोगों को दिखाने तुम कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक ये कुर्बानी मकबूल नहीं, क्यों, इसलिए कि तुम्हारा मकसद तो गोश्त है, गोश्त में पानी आ जाए इसलिए दाना पानी बंद कर दिया तुमने। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नजदीक गोश्त कुछ नहीं पहुंचेगा, मेरे नजदीक तो पहुंचता है ना गोश्त, तुम खाओ पूरे कुंभे को खिलाओ, हम गोश्त खाते नहीं, हम मोहताज नहीं गोश्त के, ये छूट है हमारी तरफ से, शरीयत अगर ये कहती ना कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त घर वाला खा सकेगा नहीं, एक बोटी भी खा सकेगा नहीं, देखें कितना कुर्बानी कौन करता है, कोई कुर्बानी करेगी गोश्त मिलेगा कौन, जहां कुर्बानी वो सब बांटना पड़ेगा, सब बांटना पड़ेगा, ओ मदरसों दे दो मदरसों दे दो, हम तो यहाँ खाएंगे नहीं क्या करता है, कौन जाता है यहाँ पर ये करने का, मतलब लगा कि नहीं गोश्त का मतलब है तुम्हारा, अगर शरीयत ये भी कह देती कि आधा गोश्त खा लो आधा बांट लो, हाँ कुछ तैयार हो जाएंगे, आधा तो मिलेगा कम से कम, मकसद गोश्त, मकसद गोश्त,
अल्लाह फरमाते हैं लन यनाल अल्लाह अनहु वला दिमाग वला यनाल तक्वा। अल्लाह ताला के नजदीक न गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है, कुछ नहीं। तकवा जो है ना, तुम्हारे दिल का तकवा, ये चीज पहुंचने वाली है अल्लाह के नजदीक कि तुम कुर्बानी क्यों दे रहे हो। अब क्यों दे रहे हो तो कुर्बानी के मौके में बयान किया जाएगा, थोड़ी बयान किया जाएगा क्यों दे रहे हो, क्या चीज पहुंचने वाली है। वही चीज अगर अपने अंदर है ना, वो चाहे मुड़ियल जानवर, मुड़ियल से मुराद यह है कि बहुत कमजोर जानवर, वैसे एकदम मुड़ियल जानवर की कुर्बानी दूर से नहीं है, जो बेचारा चल सकते नहीं उसी लिए चलाया 500 रुपये मैं कुर्बानी दूंगा, बेचारा पेल पेल के लिख जा रहा है, चल सकते नहीं उसको पेल पेल के लिख जा रहा है। हाँ जान तो है अगर कुर्बानी, अरे खाली जान है तो उससे काम चलेगा, कम से कम कुछ उसका ताकत तो हो चले कम से कम। तो मैं ये कह रहा था कि ये कुर्बानी में तकवा पहुंचने वाला, तो मैं ये कह रहा था ये वो आए बहुत सारे सब आते थे सीखने के लिए, दिन जानवरों में सवार होकर के आते थे, जरूरत पड़ती थी उनको, कोई वहां पर कोई सामने उनमें दरख्त नहीं था तो कोई कील की जरूरत पड़ती जाकर वो वहां पर बांध दें ऊंट के नकील को। तो एक साहबी इसी नियत से कि आएंगे लोग आते रहते हैं सब मुसाफिर आते रहते हैं, बांध दिया। दूसरे साहबी आए थोड़ी देर के बाद, तो कुछ जरा बांध के चले गए, गाड़ के चले गए, वहां बैठ गए मजलिस में। दूसरे साहबी आए देखे ध्यान तो तुम बांधी दो, लोग इतना ठोकर खाने उखाड़ उठे। हमारा जमाना होता तो हम जाकर उसे गल्ले में पकड़ते, वहां से उखाड़ने वाला, मगर देखो साहबी के इसलिए तो साहबी बने ना। बस वो आकर के रूसलम से बोले कि यार अब्दुल्ला मैं उगाड़ गया था, ये आदमी उसको उखाड़ते, क्या जरूरत है झगड़ा, झगड़ा जिसके पास लेके जाना चाहिए वहां लेके चले गए। तो आप सल्लम ने दोनों को पूछा तुम भाई गाड़े थे क्यों, तो मैं इसलिए गाड़ा था मेरी नियत है, ये नियत से मैं गाड़ा था कि लोग आकर के ऊंट या घोड़ा वो जो बांधने के उसको बांध देंगे, आप जरा इत्मीनान से मजलिस में बैठेंगे। अच्छा तुमने क्यों उखाड़ा भाई, मैं इसलिए उखाड़ा किसी को ठोकर लग जाए परेशानी हो, नाक का डंडी टूट जाएगा उसका गिरते हुए ना। अच्छा तुम्हारी भी नियत सही है, तुम्हारी भी नियत सही है, चलो खूंटी का गाड़ना भी ये बात है, खूंटी का नहीं गाड़ना भी ये बात है, दोनों चीज मुखालिफ, खूंटी का गाड़ना भी सवाब हो गया और उखाड़ फेंकना भी ये भी सवाब, किस वजह से, नियत की वजह से, दोनों की। हाँ अगर वो इस नियत से उखाड़ दे तो मेरा इससे दुश्मनी है वो गाड़ा है, मेरा दुश्मनी है तो इससे वो गाड़ा है, मैं उखाड़ फेंकूं, अब ये फेंकना है गुनाह का। अब तुम्हारी दुश्मनी अपनी जगह पे है, मस्जिद में लाकर निकालो उसको, तुम अपना पर्सनल दुश्मनी, तुम दुश्मनी में घर के एतबार से। अब वो एक जब एक तरफ गया तो ये उसका मुखालिफ जा रहा, वो चाहे हक न हो मगर ये उसका मुखालिफ जा रहा, इंसाफ में ऐसे ही होता है, हम लोग इंसाफ में जाते नहीं इसीलिए, इंसाफ की चटाई में इंसाफ, वहां बाप बेटा सबको नहीं देखा जाएगा हक पर। अब यहां देखा गया कि मेरे भाई और मेरे रिश्तेदार एक तरफ है लेकिन वो नाहक है, और मैं अगर इनके तरफ नहीं जाकर के हक के तरफ जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, जब वो नाराज हो जाएंगे तो रिश्ते में नाराजगी आ जाएगी, रिश्ते में दरार आ जाएगा, रिश्ते में फाट आ जाएगा। तो ये इंसाफ करने जाते हैं आप, ना बेइंसाफी करने जाते हैं। अल्लाह ने तो पूरी आयत, जो हाफिज लोग हैं वो जानते हैं, पूरी आयत में अल्लाह ने खोल खोल करके बयान कर दिया कि तुम्हारे रिश्तेदार चाहे हक पर न हो, तो अगर हक पर नहीं है तो उनकी कोई परवाह नहीं, तुमको तो हक का साथ देना है, हक जिधर होगा तुमको जाना हो वहां कोई ना हो। इसलिए ये जो इन्नमल आमालो बिनियत है, ये इसका जो मैदान है बहुत वसी, मतलब ये कि इसका जो मजमून है बहुत वसी मजमून है। ईसान सवाब की मजलिस जो हुई है नियतों के ऊपर सब दारोमदार करता है। कोई आदमी अगर दुनिया को दिखाने के लिए ईसान सवाब कर रहा है, उसकी नियत हमको उसकी नियत पर हमला नहीं करना चाहिए। तो भाई वो तो खुद कहता है नहीं मेरा नियत दिखाने के लिए, मैं अपने अम्मा के लिए अब्बा के लिए इसारे सवाब कर रहा हूँ, मुझे दुनिया को दिखाना नहीं है। वो जब कह रहा है तो हम क्यों उसको हमला कर देंगे, नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अगर करोगे तो कोई नहीं करेगा, कल सर जरूर फिर जाओ रंडिया उड़ा के नचाएगा वो, अब क्या करेगा मजबूर। जब मौलवी लोग आते नहीं है, जब बस्ती के वर्ग उसको आग बुलाना चाहते नहीं, क्या ना ये सब ठीक नहीं है, ये सब बिदत है, मजदूरों को क्या करेगा, नाश्ता मास्ता दाना गुलूच और जो है जो गाते रहते हैं जैसे मालूम नहीं क्या क्या सब रोड साइड में जो गाते रहते हैं रात भर, वो ऐसा करेगा, वो मिलेडी करेगा ऑलरेडी करेगा, अब क्या करेगा वो मजबूर। तो इसीलिए कहा गया है कि देखो नियत का मदार ये है, अगर वो सही कह रहा है कि मैं इशारे सवाब के लिए कर रहा हूँ
और शरीयत मुतहरा में ईसाले सवाब जायज है बगैर किसी ताईद के, बगैर किसी ताईद के, बगैर किसी इसके। मेरे नीयत में कुछ नहीं है, मैं अपने ईसाले सवाब की नीयत से हूँ। तो उस ईसाले सवाब के नीयत से जो मेहमानों को बुलाया है शरीक होने के लिए, उनको वो खाना खिला सकता है, ठीक है, खाना वो खिला सकता है, वो खा सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरे घर भी खाना गया, मैं खाया, मौलाना के घर में भी गया होगा, और ये जो मौलाना आए थे बड़े मौलाना, उनके यहाँ भी खाना पहुंचा दिया है, वो भी खाए, और उनसे बड़े मौलाना मौलाना सैयद सराजुल साबिदीन साहब आसमी, वो भी जाया करते थे, खाते थे। इसलिए मेहमान नवाजी है, इसमें मैयत के खाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमारे घर में आए, तकलीफ करे, खाना खाने चले जाए, तकलीफ चाहे रात में हो, रात में भी जाते थे हमारे मदरसे से जलसे में पहले जाते थे, अभी से नहीं जाते हैं, बाद में जाते थे, लोग बुलाते थे इशारे सवाब के लिए, गए मौलाना खुद जाते हैं, हम उनके साथ गए, खाना खाया आया। फिर गड़बड़ी कहां पर है? गड़बड़ी है कि अगर वो दिखलावे के तौर पर लोगों के साथ, लोगों को बतलाने के लिए, और फिर जो है और नियतों में फितूर बहुत है, चमकाया धमकाया ये सब किया गड़बड़ी की नियत से, साले सवाब खाली मुंह से कह रहा है, लेकिन देखा जा रहा है, ये देखिए ये नियत की बात है, ये दिल की बात है। तो अगर इस नियत से कर रहा है तो ये नाजायज है, लेकिन फिर भी खाना जो खिला रहा है मेहमानी के तौर पर वो जायज। अलबत्ता इस खाना खिलाने से सवाब वो पहुंचेगा नहीं, उसके मस्जिद तक नहीं पहुंचेगा, फिर किसको सलाम मिलेगा? ना जो मदारिस हैं, मदारिस के तो यतीम गुरबा तालिब इल्म है, या बस्ती के जो गुरबा हैं, जो मसाकीन हैं, उनको अगर खाना खिलाएगा तो उसका सवाब मस्जिद तक पहुंच जाएगा। ये तो आपने मेहमान नवाजी के तौर पर खिलाया है, अब वो क्या आपके मेहमान थे, मेहमान नहीं, आपने घर खाना बिठाया या मदरसे को हंडे में पकड़ के भेजा दिया, ये सवाब पहुंचेगा। इस खाने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए ये मेहमानी का खाना है। हमारे हजरत मौलाना ऐसे ही किया करते थे, लिहाजा इसमें आदमी गलतफहमी में न पड़े। अगर कोई किसी को दावत दे रहा है तो कबूल कर ले, अगर दिल उसका साथ नहीं दे रहा है तो मत खाए, कोई बात। देखिए सबसे पहला काम और पहली चीज जो है दिल है। रसूल ने फरमाया कि तुम अपने दिल को पूछो, अगर हलाल चीज भी तुमको खाने का दिल नहीं कर रहा है किसी वजह से, क्या तुम सोच लिए या किसी को देख लिए, हलाल चीज है तुम्हारा दिल, लेकिन साथ में मत खाओ, नहीं खाने में अच्छा है, खाने में तो कार सब शुभ में पड़ोगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया इस तफसी कल्ब का अव्वलन, सबसे पहले तुम अपने दिल को पूछो, अगर तुम्हारा दिल गवारा कर रहा है तो खा लो, नहीं दिल गवारा तो मत खाओ, चाहे हलाल, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, ये कोई जरूरी चीज नहीं है कि हम जो है खाना मजबूर है, नहीं हमारा दिल नहीं चाह रहा, हम जाएंगे पूछ कर दिल नहीं चाह रहा, ठीक। अल्लाह ताला हमें और आपको जितनी अहदीस अभी सुनी है, और उलमा इकराम मुफ्तियान इकराम सब आए हैं, कुरान और हदीस की बातें सुनाए हैं बहुत देर से, अल्लाह ताला सबके सवाब को मरहूमा हयातुल बीबी और उनके जो घर के मरहूमिन हैं सब तक पहुँचाने पहुँचा दीजिए, और अल्लाह ताला हमारे भी जितने मरहूमिन हैं, देखिए अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है, इस नियत से तर्ज किया गया है, मगर फिर भी हम दूसरों को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला जो है दोनों, हाँ इस आप उनके घर वाले इसलिए मैं बोला, तो सबको अल्लाह ताला जो है सवाब जजीम अजीम सवाब, इसका सवाब और क्या हो सकता है। हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई एक लफ्ज पढ़ लेता है, लफ्ज में जितने हुरूफ होते हैं उसको छोड़कर एक हर्फ, सहाबी ने पूछा ना कि या रसूलल्लाह मैं अगर कोई ऐसा लफ्ज पढ़ूं जिसमें तीन हर्फ है क्या उसको दस मिलेगा? हुजूर बोलते नहीं दस मिलेगा नहीं, उसको तीस मिलेगा, इसलिए कि बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन, अलिफ लाम मीम सिर्फ इतने कह देने से उसको तीस सवाब मिलेगा, सहाबी समझे के साथ दस सवाब मिलेगा या एक सवाब मिलेगा, नहीं हुजूर फरमाया कि नहीं नहीं, एक हर्फ मुस्तकिल अलिफ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ, दस 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 इस तरह से मिलेगा। अल्लाह ताला हम तमाम को इस तरह से अपने जो है मरहूमिन है वहां उन तक भी पहुंचाने की सब जो है हमको तौफीक अता फरमाए, जहां कहीं भी हम हो जो भी नेक काम कर ले, देखिए हमारे मरहूमिन हमारे मोहताज हैं, इसलिए कि उनका नाम अमल बंद हो गया है। अब हम जब उनके पसमान दान है, हमको चाहिए कि हम उनका ख्याल करें, हम जब उनका ख्याल करेंगे तो हमारे जो पसमानदगान होंगे वो हमारा ख्याल करेंगे, इसलिए कि मरना तो सबको है एक ना एक दिन, हम जब उनका ख्याल किए होंगे, हम जब अपने पसमानदगान को नेक बनाए होंगे, साले बनाए रहेंगे, कुरान शरीफ पढ़ने वाला बनाए रहेंगे, तब वो हमको कभी ना कभी याद कर लेंगे, और हम जब उनको हर घड़ी टीवी देखना है, जो छोटा टीवी है आपके दूसरी भी नहीं है, दूसरा टीवी सब रहता है, तो वो उसको दिखाने वाला अगर हम बना रहे तो हर घड़ी उसी को लेकर बैठता है, नमाज के वक्त पढ़ते हैं, तो वो क्या सवाब है, वो क्या बख्शेगा,
इसलिए हम नेक बनाए, वक्त नहीं होता मैं नेक साले औलाद के बारे में भी बोला होता। एक आदमी अगर इंतकाल कर जा रहा है नामे अमल तो बंद हो गया उसका, लेकिन सिर्फ औलाद अगर वो छोड़ के गया है वो आदमी, नेक औलाद होना चाहिए, बख्शे न बख्शे कोई बात नहीं, सिर्फ नेक औलाद छोड़ जाना ये भी उसके लिए सवाब का चीज है। देखिए तुम लिए बहुत अच्छी बात है, औलाद बख्शे न बख्शे कोई बात नहीं, लेकिन हम तो छोड़ के गए हैं अपनी औलाद को, वो नेक है। नेक क्या, नमाजी है, परहेज़गार है, मतलब किसी को झूठ बोलता नहीं, किसी को धोखा देता नहीं है, ईमानदारी से काम लेता है, बख्शता नहीं कोई बात नहीं, बख्शने को दिल नहीं करा, लेकिन नेक काम करता है वो, और हमारी औलाद है, बस महज नेक काम कर लेना हमारे लिए सत्ता दारिया करते ये बहुत बड़ी चीज। सभी लोग तो कहते हैं नेक औलाद छोड़ो तो दुआ करेगी तो पहुंचेगी, अगर हदीस कहती है दुआ करे न करे, नेक औलाद का हो जाना ही इसके लिए, तबलीग के मौलाना बैठे हैं वो बोलेंगे अगर मैं गलत बोलता हूँ, नेक औलाद का हो जाना ही काफी है। तो कोशिश कीजिए कि हमारी औलाद नेक बने, सालेह बने, हम इस लायक बनाएं कि वो औलाद कुरान शरीफ पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, झूठ से बचने वाली हो। अल्लाह ताला हम तमाम को तमाम की तौफीक अता फरमाए।